जी हाँ, सब शागिर्दों के वाले से आप बता रहे थे कि शागिर्द होते हैं लेकिन फिर उसको मानना एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करते कि हम शागिर्द हैं। नहीं, ये नादानगी होती है। बिल्कुल ठीक। जैसे मेरे उस्ताद थे अनायत लाहौरी साहब, वाह वाह, हाँ जी, मुनव्वर जरीफ साहब के वाल साहब बाबा अब्दुल हक साहब, बिल्कुल ठीक, वो मेरे उस्ताद थे। लहरी साहब, ये जितने भी लोग हैं, अली जाज साहब, ये जिनसे कुछ सीखा हो ना इंसान ने, वो उस्ताद ही होते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खालिद बसदार, आइए रबानी साहब, आइए रबानी, आइए आई आर के आइए रबानी साहब, बिल्कुल ठीक, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ये पतंग वाली आइटम उन्होंने मुझे बताई। अच्छा, वाह वाह वाह, मिट्टी कैसे उड़ाते हैं। तो वो उस्ताद हैं मेरे, आइए रबानी साहब, तुफैल न्याजी साहब, अपना ये जो मैंने नाम लिए हैं आपके, अनायत लाहौरी साहब, हाँ जी, मुनव्वर जरीफ के वाले साहब, बाबा अब्दुल हक साहब, लहरी साहब, बिल्कुल ठीक, इरफान खुसर, ये सारे इरफान खुसर साहब के वालिद साहब मेरे उस्ताद हैं। बिल्कुल ठीक। मैं उन्हें उस्ताद, मेरे में है ही उस्ताद वो। बिल्कुल ठीक। मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब, मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब, गल है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कल इस तरह भी मैं नारू वाल गया जो ऐसे बोलते थे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो अनैसन भट्टी साहब, मेहदी हसन साहब, उस्ताद सलामत खान, हाँ, उस्ताद फतेह अली खान बिल्डे खान। अच्छा, गाने की दुनिया में मुझे ज़्यादातर जो एक बाखुदा करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीवर जो सुनने वाले उनको अच्छी सही चीज़ बतानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि अपना सौदा बेचने के लिए बंदा गुमराह हो जाए। वो हैदराबाद के दो गवाहिए हैं, फतेह अली खान, हमीद अली खान। बिल्कुल ठीक। हमीद अली, फतेह अली खान, फतेह अली खान आउट क्लास गाते हैं। उनके गाने में कोई मिलावट है ही नहीं। वाह वाह वाह। प्योर अस्थाई अंतरा, प्योर गाना बजाना, आरोम रोई, प्योर क्लासिकल। बिल्कुल ठीक। कई दफ़ा देख के उन्हें तरस भी आता है कि ये हम लोग जो हम, मैं अपने आप को नालायक ही कहूँगा, हम लाइट गाने वाले लोग इतना इतना पैसा इकट्ठा कर रहे थे, वो क्लासिकल बेचारे इज्जत ही लेके बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो हमीद अली खान, फतेह अली खान, और भी जितने भी लोग हैं, उस्ताद अपना ये पटियाला, जो पटियाला के थे वो नुसर, अपना फतेह अली खान साहब, नुसर फतेह अली खान साहब, बिड्डे खान इसलिए कहते हैं कि वो जरा डिफरेंट हो जाता है, नुसरत फतेह अली खान का भी वही नाम। बिल्कुल सही। तो खान साहब फतेह अली खान का भी वही नाम। साहब सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, अमानत अली खान, अब शफकत बड़ा अच्छा गा रहा है अमानत अली खान साहब का बेटा। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड होता है सारा, अल्लाह की देन होती है। गुलाम अली साहब, गुलाम अली साहब सर, बेबाक भैया गुलाम अली साहब, ऐसा रफाकत रही है आपकी, बहुत रफाकत, रफाकत बहुत अच्छा गाता है, रफाकत अली। फिर उस्ताद सलामत खान के बेटे सारे गाते हैं, अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल। तो गुलाम अली खान साहब के साथ आपका वक्त काफी रेडियो पे गुजरा है। हाँ, काम किया कट्ठे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब के साथ मेरा वक्त गुजरा बहुत। हाँ, उस्ताद बाबा फजी शाह साहब, बिल्कुल ठीक, थिएटर की दुनिया के किंग हुए हैं, उनके साथ मेरा बड़ा वक्त गुजरा, मियाँ बीवी दोनों। वाह वाह वाह। तो ये अम्मा बाली जट्टी, लाला आलम लोहार साहब, लाला आलम लोहार साहब अपने काम का वाकई आलम थे, आलम थे, क्या बात, लाला आलम। हाँ, बड़ा मैंने वक्त गुजारा। उस वक्त तो हमें पता नहीं था कि कौन बना हमारे साथ, हम किसके साथ, हमें पता नहीं होता था। सही सही। कि वासिफ अली वासिफ, ओ या मान लो इधर आ यार, किधर बैठे बैठे थे, मुझे क्या पता ये वासिफ अली वासिफ साहब हैं, मुनीर नियाजी साहब हैं, साद कैन, अहमद फराज, अमजद सलाम, अमजद बाबा जफर इकबाल, आफ्ताब साहब के वालिद, क्या बड़ा आदमी जफर इकबाल साहब। आप ये देखें खुदा की कसम, हमें तो इतनी अकल नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं कहता हूँ पढ़ने लिखने वाले बंदे को भी इतनी लैंग्वेजेस पे अबूर नहीं हासिल होता। अच्छा। हाँ, क्या बात है। मैं कहूँगा कि जफर इकबाल साहब एक शख्स हुआ है। वाह वाह वाह, क्या समझे, क्या बात है, ऐसे लोग नहीं पैदा होने, कुर्रा उकाड़े में रहे हैं तो कलाम उनका वर्ल्ड लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है ये। वाह वाह वाह। आपको कोई उनको पसंदीदा शेर हैं? लेकिन मैं नलायक आदमी, मुझे वो तुम क्या करते रहे, मेरे कई कबूतर मर गए तुम्हारे मंडेर पे, वो मुझे याद नहीं है। वो भी है उनका बड़ा मशहूर शेर, शायद आपने सुना हो, कि तुझसे फिलहाल कोई तलब है ना तमन्ना, हाँ, इस शहर में जैसे तेरा होना ही काफी। देखो ना कैसी ऑथेंटिक बात है ये। वाह 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 वाह। मोड़ भाइया जी, माया आधा प्या ब्याह है, साइलेंट ठड्डा हो गया है। आफ्ताब नू मैं यही कहता हूँ कि आफ्ताब, तुम इस इलाके से बिलोंग करते हो, वाह वाह वाह, अपने वालिद साहब की वजह से बहुत आप काबिल हो, काबिल, बड़ी बात होती है वालिद साहब का बीच में, बिल्कुल असर रह जाता है औलाद में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
तो हम लोग डर के उससे दाद देते हैं कि उसका सुन बड़ा डर तीन तीन घंटे दो मिनट फेर जरा बंदा लोहा फेरदा तीन घंटे सानू अद्धे घंटे कितने कितने सुट सकता इस करके उसने तरीके नहीं बोलना पैदा हाँ जी अभी तीन एम ए किए ने उन्हें दो के तीन एम ए फिर नहर जना आ जाके की फायदा इन्ना पैसा उन्होंने खर्चन का मैंने जफर साहब ने इस करके नहीं बोला कि कोई गुस्ताखी ना हो जाए मैं उन्होंने एक दिन कह देना कि इन्ना पैसा खर्चन की की लोड़ सी जिन्हें फिर टूटी थली नहाना है खरमोस कल ला जाए तू गरीब आदमी दे दे थर्मसी बुरा रख लिया कुल्फिया कल ला जाए मोड़ मैं लिप्तर मारे तेन खच जा दवा हो जा तो ये ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਬ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਾਲਾ ਲੰਮੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਛੇੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਹਾ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਢੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ ਮੈਂ ਓਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੋ ਪਿੰਡੀ ਕੇ ਲੋਕ ਔਰ ਤੱਪੇ ਜਗ ਸੇ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰ ਬੋਲਨੇ ਹੋ ਕੁੱਠਾ ਇੱਥੇ ਜਲਣਾ ਹੋਇਆ ਧੱਪੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਸਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰਸਾਂ ਅੱਲਾ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਬਰਾਇਲਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਬ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੈਂ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦੱਸ ਦੱਸ ਉਸਨੂੰ ਹਰੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਨਕੀ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੇ ਲੋਕ ਗਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਘਾੜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਂ ਦਰਵਾ ਜਾਣੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਲੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ 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 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬੜੇ ਸਹਿਮੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੈਸੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਹੈ ਅਬੇ ਯਾਰ ਅਮਾਨ ਭਾਈ ਕਦ ਆਇਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਆਇਆ ਜਾ ਕਬ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੀ ਦੋਸਤ ਕੇ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੋ ਯਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਹਮ ਤੋ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮ ਤੋ ਨਿਕਲਨੇ ਲਗੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਲਗੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਿ ਅਬ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇ ਬਹੁਤ ਡਰਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਮਾਨ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਰ ਯੂੰ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਯੂੰ ਹੈ ਜਬ ਸਮੁੰਦਰ ਬਿਫੜ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਗੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ ਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਬੇ ਉਹ ਝਾਂਪੜ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਚਾਵੇ ਚੱਲ ਬੈ ਚਮਾਟ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕੱਟੀ ਪਾੜੀ ਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਉਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ ਚਮਾਟ ਹੀ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵਾਹ 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 ਚਮਾਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਟੀਵੀ 99 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰੰਗੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਟੀਵੀ 99 ਯਾਨੀ 99 ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਮ 100 ਇੱਕ ਘੱਟ 100 ਯਾਨੀ ਕਿ 5-20 ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੀਓ 99 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ